ओबीसी समाज की जातिनिहाय जनगणना करने की मुख्य मांग को लेकर स्थानिक राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने धरना दिया। वर्ष 2021 में होने जा रहे राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी समाज की जाति निहाय जनगणना करने की मुख्य मांग को लेकर स्थानीय राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के समन्वयक अशोक जीवतोड़े, महासचिव मनीन राजूरकर, जिलाध्यक्ष नितिन कुकड़े, उपाध्यक्ष परडे इन आदि के नेतृत्व में धरना आंदोलन किया गया। इसके पश्चात विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के नाम से ज्ञापन भिजवाया गया। भिजवाए गए ज्ञापन में बताया कि ओबीसी समाज बीते अनेक वर्षों से ओबीसी की जाति निहाय जनगणना करने की मांग कर रहा है। इसके पूर्व संगठन की ओर से अनेक आंदोलन किए जा चुके हैं। इसके बावजूद सरकार एवं प्रशासन ओबीसी समाज की इस मुख्य मांग की ओर नजरअंदाज कर रही है। इससे देश भर के ओबीसी समुदाय में असंतोष व्याप्त है। ज्ञापन में बताया कि यूपीए सरकार ने जाति निहाय जनगणना करना मंजूर किया था, परंतु वर्तमान सरकार ने जो ढांचा बनाया है उसमें ओबीसी का कॉलम ही नहीं है। 87 वर्ष पूर्व जातिगत आधार पर जनगणना हुई थी, उसके बाद ओबीसी को लेकर कोई सर्वे या जनगणना नहीं हुई, जिसे ओबीसी समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, नौकरी और अन्य कई समस्याओं का अंबार लगा है। इसीलिए ओबीसी का कॉलम जनगणना में शामिल कर ओबीसी की जाति निहाय जनगणना करने का आग्रह किया गया है। ज्ञापन में बताया कि दिल्ली में बजट सेशन के दौरान संगठन की ओर से धरना आंदोलन करने की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते समय प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के समन्वयक अशोक जूतड़े, महासचिव मनीन राजूरकर, जिलाध्यक्ष नितिन कुकड़े, उपाध्यक्ष संजय परटे एवं सभी तहसीलों के अध्यक्ष मौजूद थे। 20 जानेवारीच धरने आंदोलन ओबीसी समाजासाठी जात निहाय जनगणना केंद्र सरकारने घ्यावी यासाठीचं हे धरने आंदोलन होतं आणि त्यासाठी आमचे सर्व ओबीसी बंधू आणि भगिनी या ठिकाणी धरने आंदोलनात समाविष्ट झाले। या आंदोलनामागची पार्श्वभूमी अशी आहे की 1931 इंग्रज सरकारने ओबीसीची जात निहाय जनगणना केल्यानंतर आस्थागायत जवळजवळ 90 वर्षापासून ओबीसीची जात निहाय जनगणना न झाल्यामुळे ओबीसी समाजाला जे फायदे, जे संवैधानिक न्याय आणि अधिकार मिळायला पाहिजे होते ते मिळाले नाही आणि म्हणून ओबीसीची जात निहाय जनगणना 2021 जनगणनेत ओबीसीचा हा रकाना समाविष्ट करून जातगणना करण्यात यावी या प्रमुख उद्दिष्टाने हे धरणे आंदोलन आज होतं आणि त्याचं निवेदन केंद्र सरकारकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पाठवण्यात येईल यासाठी हे आंदोलन।